155 शाहबाद नवाब काइट क्लब में आप सभी का स्वागत है। हमारा क्लब संपूर्ण भारत वर्ष के सभी पतंग के शौकीन मेंबर्स को आमंत्रित करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। अधिकारियों से संतोषजनक जवाब न मिलने से अजुआ नगर वासियों में आक्रोश। जिला संवाददाता राजकुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। हनुमान मंदिर में बैठकर व्यापारियों ने मंत्रालय और सांसद से वार्ता करने की बनाई रणनीति। अजुआ कौशाम्बी सिराथु तहसील के अजुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन से 6 लेन के चौड़ीकरण की वजह से जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था, उसमें रोड के किनारे बसे लोगों का पूरा घर और दुकान जा रहा है। जिनका बच रहा है वो बहुत कम है, जिसके कारण लोगों को रहने और खाने की समस्या आने की संभावना है। लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब न देने से आक्रोशित नगर के लोगों ने हनुमान मंदिर प्रांगण में व्यापारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय और सांसद से इस संबंध में वार्ता की जाएगी। जब रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव आया है तब से प्रभावित लोगों की मांग थी कि अजुआ में बाईपास अथवा सिंगल पिलर एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज बने, जिसके कारण लोगों का घर और व्यवसाय बचा रहे। अब जब अजुआ में जमीन अधिग्रहण और मुआवजा संबंधित नोटिस मिलने लगी तो लोग संबंधित अधिकारियों से जानना चाह रहे कि अजुआ में किस तरह का फ्लाई ओवर ब्रिज बनेगा। इस विषय में PDP बुधवार को अजुआ आए थे। अल्प समय में उन्होंने लोगों से बात की और उन्होंने इसके विषय में कोई चर्चा नहीं की, जिससे नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त है। नगरवासियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान नितिन गडकरी द्वारा घोषणा किया गया था कि अजुआ में सिंगल पिलर एलिवेटेड फ्लाई ओवर आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार बनेगा। इस वजह से लोगों में एक आशंका का माहौल हो गया। इस आशंका को दूर करने के लिए गुरुवार को व्यापारियों की मीटिंग हुई और फैसला लिया गया कि हम संबंधित मंत्रालय और सांसद से इसके विषय पर बात करेंगे, चाहे इसके लिए हम नगरवासियों को दिल्ली ही क्यों ना जाना पड़े।